अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बंजर हिल्स मिल्तिया नगर से नीचे सैयद नगर स्लम एरिया तक गंदा ड्रेनेज का पानी बह रहा है और कोई पूछने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालांकि यहीं पर जहाँ से पानी बहता है, जिस बिल्डिंग में से, जिस इमारत से पानी बहता है, उसके सामने ही हैदराबाद शहर की मेयर का मकान है। बावजूद इसके ये पानी लगातार बहता है। जो अपने घर के पास का कचरा साफ नहीं करते तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो आवाम के मसलों को हल करेंगे और आवाम के जो एरिए है वो कचरा साफ करेंगे। बड़ी अफसोस की बात है, सिर्फ ओहदे लेते हैं लेकिन काम करना ये नहीं जानते। बहरहाल, ऊपर से नीचे तक पानी बह रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है, मुसल्लियों को परेशानी हो रही है और इस सड़क से जो भी जाते हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? बहरहाल, यहीं के जिम्मेदारों ने क्राइम टू से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई और यहाँ के एक मजलिस के लीडर मोहम्मद सादिक ने भी बारहा तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि जिस तरह से यहाँ पे लापरवाही हो रही है, ये लापरवाही को रुकाने की कोशिश की जाए। बहरहाल, क्राइम टू से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। आप बड़ी बूढ़ी हो, ये मस्जिद है, मस्जिद को वजू कर को जाते, नमाज को जाते, अच्छे को जाते, बुरे को जाते, तुम्हारा ख्याल नहीं है क्या बेटा? बोलो, वो मार डालते तो मार डालो, जिंदे रखते तो रखो। क्या करते? तुम्हारे नाम से कुर्बान हो जाते। मेयर मैडम का घर ऊपर ही है, मेयर मैडम क्या करते बेटा? सब मुसल्ला नगर से पानी आ रहा साहब, क्या गलीस बदबू का पानी आ रहा, पैखाने ड्रेनेज का, बीमार होते हैं बच्चे सब। मेहरबानी करो, जरा पानी बंद करो पानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज किराम टुडे को बुलाने का मकसद ये था, उनके सुप्रीमो रहमत साहब को मैं फ़ोन किया। तकरीबन ये 15 दिन से ड्रेनेज का पानी मिथिला नगर कॉलोनी जो बंजारेल कॉन्स्टिट्यूंसी में आती, हम आपको 1 महीने से सैयद नगर के लोगों को तकलीफ़ हो रही। आपको मालूम होना चाहिए, पूरे अपार्टमेंट बन गए बंजारेल में, मिथिला नगर में पूरी जो है सो 6 इंच की लेन है। मैं 2 बार भी जाके कंप्लेंट दिया, हमारे हल्के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन साहब को लेटर दिया मैं कि लाइन को चेंज करो बोल के, पूरे कॉम्प्लेक्स बन गए। मगर हो रहा क्या बोले तो, ये देख सकते हैं आप, ये हैदराबाद के बहुत बड़े पार्ले जो बिस्किट का इनकी कंपनी है, ये उन्हीं का जो है सो अपार्टमेंट है, उनके सामने ये ड्रेनेज लाइन बह रही। मगर हमारे को इतनी मुसीबत हो रही सैयद नगर वालों को, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद में मस्जिद रशीद है जो नमाज पढ़ने के लोगों जो वजू करके जा रहे, तो छिल्ला है, छिल्ले के ना यहाँ से 1 किलोमीटर पानी आ रहा। मैं Division 6 वालों को बोल रहा हूँ, पूरा पानी फैल के जा रहा है। Division 6 के GM को बोला, मैनेजर को बोला, DGM को बोला। Division 3 वाले तो हमारे जब का जब ही काम करते थे, मगर ये हमारे को प्रॉब्लम Division 6 वाले। अब आपको मालूम होना चाहिए ये पानी सीधा मस्जिद रशीद कन जाके रुक रहा। इतनी तकलीफ हो रही, हम बंजारेल वाले VIP है तो सैयद नगर वाले क्या, हमारे सैयद नगर वाले इंसान नहीं है? तो मैं उन लोगों से SMW वाटर वर्क्स वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर गौर करें। और एक बात, साथ ही साथ प्रेजेंट मेयर विजयलक्ष्मी मैडम का घर है यहाँ पर, उनके बैक साइड में सामने आप देख सकते हैं एक स्कूल है, उसके नीचे न्यूस्पोर्ट स्कूल है जो 400-500 बच्चे पढ़ते, छोटे छोटे, पूरे पैरा सड़ जा रहे, पूरे गंदगी में जो है हमारे को नमाज को मुसीबत हो रही। आम आदमी को भी जाने के लिए जो ड्यूटी को जाते हैं उनको भी तकलीफ हो जा रही। हर मजहब का जाने वाला है यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जना उन्हें बेचारा ड्यूटी को ड्रेसिंग करके जा रहा तो उसके ऊपर ये खिचड़ उड़ जा रहा। हम बड़ा अफसोस हो रहा, KTR साहब हमारे, हरीश राव साहब, आप देख सकते कितना स्मेल आ रहा, पहले डेंगू चल रहा, मलेरिया चल रहा, और इतना बड़ा दावा कर रहे हमारे KCR साहब, हमारे KTR साहब और हरीश राव साहब के भाई घर घर पानी देंगे, घर घर ड्रेनेज की सहूलत देंगे। कहाँ से सहूलत है? नीचे सलम एरिया है तो सलम एरिया में इंसान नहीं रहते क्या? हाँ, समझे ना आप देखो, ये देखिए आप,
ये देखिए पूरा यहाँ पर 6 इंच की लेन है, तकरीबन 100 से 150 कॉम्प्लेक्स है मिथिला नगर के, पूरा पानी इधर सैयद नगर में आ रहा। हम तो 24 घंटे काम कर रहे, हमारा MLA काम कर रहे, कॉर्पोरेटर, हमारे जमात के तमाम लोग काम कर रहे मजलिस के, मगर हमारे लोगों को तकलीफ हो जा रही या किसको भी जो है सो असर नहीं है। तकलीफ तो हमारे को है ना, मैं ऑलरेडी Division 6 के GM साहब को और DGM को, मैनेजर को इत्तला दे रहा हूँ, नहीं बोले तो मैं इसको जो है सो कंज्यूमर कोर्ट में बुलाऊंगा। इन लोगों को हमारे को तकलीफ हो जा रही। शुक्रिया सामक। ये जो मेयर के सामने बिल्डिंग है, घर के सामने नीचे से जो पानी मैना लीकेज होके जा रहा, महीना डेढ़ महीने से छिल्ले गने जा रहा, मजीद है आने जाने नमाजों को तकलीफ हो रहा, लोग मुसलियों को और कामों को औरतें गिरता जा रहे आ रहे, और लोग अभी 2-3 जने गिर गए लेडीज़ भी, और ट्रैफिक भी पूरा पैरा उठा के जा रहे गाड़ियों पे, बहुत तकलीफ़ हो रहा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? KCR की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर साहब तक बात पहुँच रही नहीं। ये देखिए आप लोग क्या है क्या नहीं, मित्रानगर का एरिया आता, हाँ मित्रानगर से लाइन पूरी मिली हुई है, मेयर के घर के सामने से बाजुक से पूरा लीकेज हो रहा, मैनाल नीचे देखिए आप, महीना डेढ़ महीना छिल्ले छिल्ला और मजीद है वहाँ पे, पूरा जाके जमा हो रहा, नमाजों को पूरी तकलीफ़ हो रही पब्लिक को जाने आने, हाँ लेडीज़ भी काम पे जाती यहाँ से जल्द काम कराइए आप KCR साहब, पूरा लीकेज हो रहा पूरा, आप देखिए।